हेलो एंड वेलकम टू एब्सोल्यूट इंडिया न्यूज। इस हफ्ते रिलीज हुई मूवीज से लेकर अजय देवगन और किच्चा सुदीप का ट्विटर वॉर, सिद्धार्थ कियारा के ब्रेकअप की अफवाह या सच, जानने के लिए हैव अ लुक एट द एब्सोल्यूट रील ऑफ द वीक एज वी प्रेजेंट यू द टॉप हाइलाइट्स ऑफ टिंसल टाउन। इस हफ्ते फिल्मों की रिलीजेस की बात करें तो बॉलीवुड की दो बिग बजट फिल्में रनवे 34 और हीरोपंती 2 बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल नहीं दिखा पाई। वहीं बात करें अमृता खानविलकर की मराठी फिल्म चंद्रमुखी की, जिसे देखना लोग काफी पसंद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुंबई में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले और मंगेशकर परिवार के अन्य सदस्यों ने प्रदान किया। ये पुरस्कार लता मंगेशकर जी के निधन के बाद उनकी याद में शुरू किया गया है। आमिर खान बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर अपने वीडियो शेयर कर लोगों को नई कहानी सुनाने की बात कर रहे थे। इससे लोगों के बीच काफी एक्साइटमेंट बनी हुई थी। आखिरकार इस बात का खुलासा हो गया है कि वो कौन सी कहानी सुनाने की बात कर रहे थे। दरअसल आमिर खान और करीना कपूर की अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा का पहला गाना कहानी इस हफ्ते रिलीज कर दिया गया है। इस गाने में वीडियो नहीं है, सिर्फ ऑडियो सुनाई दे रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को इस साल कॉन्स फिल्म फेस्टिवल के जूरी मेंबर्स में शामिल किया गया है। इस बात की जानकारी खुद दीपिका पादुकोण ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर की थी। दूसरी ओर फ्रांस के दिग्गज एक्टर विंसेंट लिंडन को जूरी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जबकि दीपिका को पैनल का मेंबर बनाया गया है। बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और अभिनेत्री कियारा आडवाणी की जोड़ी को दर्शकों ने शेरशाह फिल्म में काफी सराहा था। इसके बाद दोनों को कई बार साथ भी देखा गया तो ये खबरें आने लगी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि दोनों की ओर से कभी भी अपने रिश्ते को लेकर कोई बात नहीं की गई। वहीं अब रिपोर्ट्स की माने तो दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लिया है और अब कपल का ब्रेकअप हो चुका है। खबरों की माने तो सिद्धार्थ और कियारा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कपल ने एक दूसरे से मिलना भी बंद कर दिया है। ट्विटर पर हिंदी भाषा को लेकर हुई अजय देवगन और सुदीप किच्चा की बहस। एक इवेंट में किच्चा सुदीप ने कहा था कि हिंदी अब राष्ट्रीय भाषा नहीं रही। सुदीप की ये बात अजय देवगन को पसंद नहीं आई और जिसके चलते दोनों की हुई सोशल मीडिया पर बहस। इनके सोशल मीडिया आर्ग्यूमेंट ने काफी सुर्खियां बटोरी। डालिए नजर इनके ट्वीट्स पर। इस हफ्ते कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म भूल भुलैया 2 और कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ का ट्रेलर हुआ आउट। वहीं आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और तापसी पन्नू की फिल्म शाबाश मिठू की रिलीज डेट हुई अनाउंस। जहां शाबाश मिठू 15 जुलाई 2022 को रिलीज होगी, वहीं रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 10 फरवरी 2023 को रिलीज होगी। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Follow our channel Absolute India News on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube and website.